महाभाव चिंता में ही राधा स्वरूप। राधिका जी स्वरूप क्या है? महाभाव चिंता में ये दुर्वालू उनका काय कवि और राधापति कृष्ण स्नेह सुगंधी उस बर्तन माने उपचन स्नान करने के पहले सबों को पीस कर अभी राधिका जी के लिए नहीं जल जाएगा और स्वस्थ हो, इसलिए कमल की पस्तुलियों में पराग जो है पराग का उत्सन बनता है और तो ललिता विशाखा इत्यादि रुक्मिणी देवी इत्यादि उसको उत्सन लगा। तो ये उत्सन की चीज क्या बना? राधा प्रति कृष्ण ने राधा जी के प्रति कृष्ण का जो उसने कृष्ण का स्नेह राधा जी के प्रति कितना स्नेह है वो उत्सन लगा। साथे सुगंधी दे साथे वो कृष्ण का जो कृष्ण के प्रति स्नेह उनमें सुगंध है सुगंध में बर्तन है। तो राधा जी के शरीर में अपना तो गंदा ही है और वो भी करके ऐसा तो हो जाने से कृष्ण और मुक्त हो जाते हैं उनको तुम करके जैसा सदा दिवस नाम के रखे दिवस धन्य धन्य करने योगंद दुर्गम रखे मधु दुर्गम होती सत्या नमस्त गुस्मान उसके अंशम का हवा शरीर का नहीं शरीर का तो बहुत अंचल से स्पर्श हुआ और उसमें जो सुगंधी आई कृष्ण ने अपने को धन्यवादी मान लिया। कह रहे ताकि सुगंधी देन उज्ज्वल वरण और राधिका जी का मन कैसे चित्र पूरक पूरक चित्र पूरक माने क्या पूरक माने सोना और सोने को ठीक से काट दो काटने से बलिन रही जो भीतर से अक्सर सुंदर किताब निकलता है राधिका जी का अथवा राधिका की हल्दी पत्ती हल्दी को तोड़ दो तो वो कैसे होगी वो सोने से भी आदि ऐसे से परिपूर्ण धारा स्नान प्रथम तीन बार स्नान करती है सवेरे दोपहर दो शाम तो कारुण्यामृत कारुण्य माने क्या करुणा करुणा के भाव को कारुण्य कहते हैं और वो अमृत के समान धारा स्नान करते हैं। राधा ही कृष्ण प्रणय विकास राधा ही कृष्ण प्रणय विकास अर्थात कृष्ण प्रेम मूर्त विग्रह तहार मानसिक भाव कायिक अंग प्रत्यंग देश आदि समस्त ये श्री कृष्ण प्रेम एक कृष्ण की कारुण्य अमृत की धारा से अपने से अपने कोई नहीं करे राधिका जी का राधिका जी के प्रति कृष्ण का जो कारण भाव है उसके द्वारा तारा स्नान किया और किंतु स्वभाव ही राधिका जी की कारण
आरुण्यामृत तारुण्यामृत, तारुण्यामृत माने क्या? किशोरी का भाव। राधा की कैसी किशोरी? किशोर उम्र उनकी नृत्य वैसा किशोर, उसमें कृष्णा आकर्षित होते हैं अभी तो। तारुण्य तारुण्य में भी तीन है, प्रथम विशिष्टि, प्रथम तो बया संधि जवन पूर्ण तरह से तारुण्यामृत धारा स्नान मध्यम मध्यम है और लावण्यामृत लावण्य माने जैसे घीरे में मोती में भीतर से चमक आती है आवाज निकलती है ऐसे ही सुंदर आवाज में निकलती है जो कृष्ण को आकर्षित कर दे। नीच लज्जा जब वहां वह संधि हुई तो लज्जा आ जाती है। पैरों पहले कोई लज्जा नहीं है किंतु जहां आया पैर संधि का और कहां पहले पहले लज्जा नीच लज्जा श्याम पट कटोरी श्याम पटोरी परिधान वो पहन लिया लज्जा से पट काटी कभी कहीं अरुण भी है और अमल कमल कांति नीत वस्त्रां नीत गए नहीं दशदर्शन वस्त्रां अंजना सी मनोज्ञा संजीवित मुक्ता दान दीप्तां किशोरी भजत प्रकाशं राधिका काष्ठेय अमल कमल पट्टो काशी गौरी लरभीषं परिहितां किशोरी हरिभूमि परिरब्धा लक्ष्मण पाली धित अरुण दुकुला अरुण वहां पर श्याम लगता है यहाँ पर अरुण लगता है समय समय पर तो कृष्ण अनुराग वहां पर पट्टकारी और यहाँ पर कृष्ण का अनुराग ये अरुण दर्शन है पट्टकार का दर्शन हाँ प्रणय मान संतुलित है प्रणय और मान कृष्ण के प्रति प्रणय और मान जीती अर्ण वर्ण मान संतुलित है माने उसमें मान में छिप जाता है मुख पीड़ा होगा और न जाने क्या क्या कैसे कैसे सुंदर भाव आएंगे वो छिपा देने वाला होता है भाव को तो वही क्या है कृष्ण मान प्रणय मान पंचुरी का है वक्त अच्छा दान सौंदर्य कुमकुम सभी प्रणय चंदन सौंदर्य उनका है वो कुमकुम है और सभी प्रणय ललिता विशाखा इत्यादि मंदिरों का चंदन उनके प्रति राधा जी के प्रति जो प्रणय है वो चंदन है चंदन लगाने से जैसे सौंदर्य भी होता है सुगंध भी होती है और स्मित का कांति उनका मधुर मुस्कुराना कृष्ण की तरफ से देखकर कपूर है तीन अंगे तीनों अंगों में ये विलोपन तीन अंग एक चीज अंग सौंदर्य कुमकुम चंदन और कर्पूर ये तीन अंग और क्यों
खाने में क्या कृष्ण ज्वाला प्रति जो उज्जवल रस उसका उन्नत उज्जवल पार्थिव भाव मृग मृगम धारण कर रखता है। मृगम का गुण क्या है? मस्त करना, संकर्ष बढ़ाना, मस्त करना। तो ये कृष्ण का यह जो उन्नत उज्जवल पार्थिव भाव है कृष्ण के प्रति राधा जी का मृगमत फल मृगमत का वर्णन पूर्ण है। श्री कृष्ण मदे कृष्ण के से मृग मदे विभूति करेगा उसे तरह तरह से उसको संबंध को मंडित कर दिया है लगा कर प्रसन्नमान प्रसन्नमान ने मान भी बहुत तरह का एक व्यक्त एक प्रसन्न प्रसन्नमान और भी हमारे प्रति अरे चंद्रा चंद्रा हमारे प्रति आपने मान किया है मैं मानता आपके प्रति मान मैं तो आपकी सब प्रकार से मान गई और मान पूरा है। ये मान हम भी मैंने जुड़ा को जो कृष्ण के मन को मुक्त कर देता है धीरा भी धीरा 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 अधीरा आत्म गुण अंगे पट्ट भाव धीरा भी भाव यही उनकी है उनका भाव है। कोई धीरा कोई अधीरा और राजा जी धीरा धीरा अंगे पट्ट भाव और अंगों का जो पत्र है पटे के वो सब है राम तांबूल रहे अमर उज्जवल। राग क्या है? तांबूल मान तांबूल का इसको इस रूप में भी ले लो कृष्ण का चरित्र तांबूल राग क्या जी ग्रहण करते हैं पुरोदा का अमल कपूलान राग का त्रिवेद प्रसन्न बिंदु फल धम मिल धारी विघटित मधुर धोरणी के इच्छा प्रदर्शन मधुर प्रमुख बिंदु दूर तांबूल राग सुर धन अपल अमल कपूलान राग का सराग तांबूल रागे अदर उज्जवल प्रेम कौटिल्य नेत्र युग कर्ज प्रेम कौटिल्य उनका प्रेम कौटिल्य क्या है अथवा नेत्र युगों का जो कज्जल है वही मानो प्रेम कौटिल्य प्रेम की कुटिल्यता सुदीप्त सात्विक भाव सात्विक आदि भाव हर साधि संचारी एक सब भाव भूषण सब अंग है हाव भाव प्रकृति इत्यादि भावों को धारण करते हैं संचारी भावों को धारण करते हैं राम काम परमान के अश्रु तुलस परिवर्तन इत्यादि किलके चितादि भाव हिंसा की बीस प्रकार के इन भूषणों से वो विभूषित हैं। गुण श्रेणी पुष्पमाला सर्वांगे पूरी कर सौभाग्य की कर्मचारी लला के उज्जवल सौभाग्य सौभाग्य राजा सौभाग्य माने क्या पति का स्त्री के प्रति जो सुहाग होता है कृष्ण का राधा के प्रति जो सुहाग है प्रेम है यही उनके लिए सुहाग है। तो सौभाग्य तिलक वही है तिलक चारू लला के उज्जवल प्रेम वैचित्र रत्न प्रेम वैचित्य यही रत्न है और हृदय तरल और इससे हृदय तरल है। मध्य वयस सभी संदेह करे न्याय मध्य वयस क्या है मानो सखी के संदेह पर ललिता या विशाखा या मंजिलियों के संघे पर हाथ रख कर कृष्ण की तरफ में उन भावों से दर्शन करते हैं ये मध्य वयस है।
कृष्ण लीला पुनर्वृत्ति सती आस पास निजात गौर भले गर्व पर जंतर ताते बची आके प्रकाशित से कृष्ण संग कृष्ण नाम गुण जड़ अवतन कथा कृष्ण का नाम उनका जड़ गुण ये राधा जी के लिए अवतरित है काम का आलोचन है अतः सत्य में उसको सुनती है कृष्ण नाम कृष्ण नाम कृष्ण गुण प्रवाह प्रचंड है और कृष्ण का गुण प्रवाह यदि किसी के प्रति तुम्हारा इतना माने कृष्ण यदि इतने बुरे हैं तो उनका प्रसन्न क्यों नहीं छोड़ते तो कृष्ण को तो छोड़ सकती है इन कृष्ण का कथा नहीं छोड़ सकती कृष्ण नहीं कहेंगी तो वो क्या करती है अरे वो क्या है आम बदला और
माँ हमारे की इच्छा भी पूर्ण हो गई, बहुत जल्दी समाप्त हो गया। तो अभी